हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट ऑफ देसी तड़का। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बनाने जा रही हूँ टूटी फ्रूटी केक। आप कोई भी ओकेजन पे इसको बना सकते हैं या नॉर्मली भी बना के खा सकते हैं। टी टाइम केक भी है, और जिसको फ्रोस्टिंग वाले केक्स नहीं पसंद होते तो वो ऐसा बना के खा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टिन लिया है, 5.5 इंचेस का है ये। आप 7 इंचेस का भी ले सकते हैं, बट मुझे इस केक की हाइट चाहिए थी मुझे, तो मैंने छोटा टिन लिया है। अब मैंने इसको ग्रीस करके बटर पेपर लगा दिया है, हल्का सा ही ग्रीस किया है। अब सबसे पहले हम इसका बैटर लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। ये प्लास्टिक का है क्योंकि इजीली हम इसको कैरी कर सकते हैं, हाथ में हिलाने में इजी रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 1/2 कप ऑयल। ये विदाउट फ्लेवर्ड ऑयल है, रिफाइंड ऑयल है ये, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है इसके अंदर। और इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं, आधा बटर और आधा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और बटर जो है रूम टेम्परेचर पर यूज़ करना। और यहाँ पर फिर मैंने लिया है 3/4 कप दही। ये भी आपको ठंडा नहीं लेना, ये भी नॉर्मल लेना है, और ज़्यादा खट्टी भी नहीं होनी चाहिए दही हमारी। इसके बाद हम डाल रहे हैं 1/2 कप यहाँ पर पाउडर्ड शुगर। इसको हम एक विस्कर की हेल्प से अच्छे से विस्क कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि ये सारे एक साथ इकट्ठे ना हो जाए और एकदम इसका एक टेक्सचर, सॉफ्ट टेक्सचर ना आ जाए इसका। अच्छे से इसको विस्क करना है। आप इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा मिल्की टेस्ट चाहिए इसका। तो ये हमने बैटर इसको मिक्स कर लिया है। तब तक हमने यहाँ पर ये क्या किया है कि ये जो इडली स्टीमर होता है ना, जिसका इडली का संचा होता है, उसके अंदर ये नमक डाल दिया है और स्टैंड लगा के इसको हम प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। ये इसका बॉटम ज़्यादा हैवी नहीं था तो इसलिए मैंने नमक यूज़ किया है। अगर आप कोई हैवी बॉटम पैन ले रहे हैं या कढ़ाई, तो आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम वापस बैटर पर आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है, और इसके ऊपर ये मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैदा, जो कि है 1.5 कप। इसको हम डालेंगे, ये मैदा हम इसमें डाल रहे हैं। और इसके बाद हम डालेंगे एक टीस्पून जितना हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर, ये भी एकदम फ्रेश होने चाहिए, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, अदरवाइज आपका केक नहीं फूलेंगे अगर ये फ्रेश नहीं होंगे तो। इसके ऐसे हम इसको छान लेंगे, अभी छान कर यूज़ करेंगे ताकि कोई भी बबल्स हो या इस तरीके की इसमें हो तो ये कहीं टेस्ट अगर केक में रह जाए तो एक टेस्ट बिगाड़ देती है। अभी हम ये स्पैचुला ले रहे हैं और इसको इस तरह से मिक्स करना है, ज़्यादा हार्ड हमें नहीं करना है, इस तरह से मिक्स करते जाएंगे हम, और इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए, ज़्यादा हार्ड नहीं करना है। और हल्का सा हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे ना, उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करेंगे, और मिल्क भी नॉर्मल टेम्परेचर का चाहिए। तो यहाँ पर मैं मिल्क डाली, दूध डाल रही हूँ। मैंने इसको बनाने के लिए यहाँ पर 1/4 कप दूध यूज़ किया है, मिल्क। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका बैटर ज़्यादा थिक रह रहा हो तो। मेरा टोटल यहाँ पर 1/4 कप जितना दूध यूज़ हुआ है इसमें बैटर के अंदर, और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर मिक्स हो चुका है। अब जो है मैं इसमें मेन इंग्रेडिएंट टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, उसी का केक बना रहे तुम। टूटी फ्रूटी लेकर हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैदा से कोट कर लेना। उससे क्या होगा कि जब आप केक बनाएंगे ना, तो टिन में डालने के बाद कई बार क्या होता है कि ये जो टूटी फूटी है ना वो नीचे जाकर बैठ जाती है, तो मैदा से कोट करने से वो नीचे नहीं बैठेगी और सारी बराबर रहेगी केक के अंदर। और इसको फिर से एक बार इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें चाहे तो थोड़े, अगर कोई आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो तो वो भी डाल सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़ा फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना पाइनएप्पल एसेंस। आप वनीला एसेंस या फ्रूट एंड नट या फ्रूट एसेंस आपको जो पसंद हो डाल सकते हैं, बट पाइनएप्पल का फ्लेवर अच्छा आता है इसके अंदर। तो एक बार हल्का सा और मिक्स कर लेंगे हम इसको, और उसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए डाल देंगे। ये बैटर हमारा रेडी है, और अब मैं इसको इस टिन के अंदर पोर कर दूँगी।
ये इसके अंदर हमने डाल दिया है बैटर को, अभी क्या करना है एक स्पून लेना है, और उससे पहले हमने इसको ना एक बार एक टैप कर लेना है ताकि पूरा सेटल हो जाए अच्छे से, इसमें कहीं बबल्स नहीं रहे। और अब जो है ना चम्मच या ये जो स्पून है ना इसको उल्टा करके इस तरीके से इसको लेवल कर लेना है ताकि ये एक जैसा बने पूरा रेडी होने के बाद। और एक बार लास्ट में हम फिर से इसको एक बार ही टैप कर लेंगे। और अब जो है हम इसको बेकिंग थोड़ा फिर से इसके ऊपर टॉपिंग्स डाल रहे हैं, तो टूटी फूटी मेरा जो नेफ्यू है मेरा भांजा वो डाल रहा है, उसको बहुत क्रेज़ है केक्स बनाने का बट वो अभी छोटा है, तो ये इसी तरीके का मेरी हेल्प करता है। अब जो है जो प्री हीट हमारा इडली स्टीमर था हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं और इसको जल्दी से कवर करेंगे। अब इसको हमें अराउंड 40 to 50 मिनट्स के लिए बेक करना है, और जब ये बेक हो जाएगा ना तो इस तरीके से हमने इसको चेक करना है। ये देखिए ये परफेक्टली बेक हो चुका है, तो अभी हम इसको निकाल कर और एक स्टैंड के ऊपर इसको ठंडा करना है ताकि इसको नीचे भी हवा लगे, वरना ये नीचे से पानी पानी हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट ठंडे सरफेस पे रख देंगे तो। और ये हमारा टूटी फूटी केक बन करके रेडी है, ये मैं इसको काट करके दिखाती हूँ। बड़े जितना ठंडा होगा और जितना एक दो दिन पुराना होगा ना तो उसका इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, तो आप अगर पेशेंस रख कर बनाएंगे तो एक दो दिन स्टोर करके खाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई